सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब हम नेता हो गए, मंत्री हो गए, तो हम बड़े बाप की औलाद हो गए क्या? नहीं हो सकता है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी का बयान बटोर रहा सुर्खियां। हम नेता मंत्री हो गए इसका मतलब ये नहीं बड़े बाप की औलाद हो गए। एक खेल कार्यक्रम के उद्घाटन में मंच से कही बात। उदयपुर में एक खेल कार्यक्रम में शरीक होने आए जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी का मंच से दिया बयान सुर्खियों बटोर रहा है। दरअसल मंत्री जी ने मंच से आयोजकों को धन्यवाद तो दिया ही, साथ ही ये भी कहा कि हम मंत्री या नेता बन गए इसका मतलब ये नहीं हम बड़े बाप की औलाद हो गए। जनता बुलाती है, क्षेत्र के लोग बुलाते हैं, उनकी भी अपेक्षा होती है, इसलिए जनता के बीच हाजिर हुआ हूँ। मंत्री जी के इस बयान ने एक बार फिर उनकी सरलता और सादगी को प्रदर्शित किया है। ऐसे में उनके बयान के बाद तालियां भी खूब बजी। जिंदा व्यक्ति हूँ, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो ज्यादा समझता भी नहीं हूँ। जब मेरे को फोन किया तो मैंने, जयपुर मीटिंग थी, रात को 10 बजे तक हमारी मीटिंग थी, लगातार मीटिंग चली और हम ट्रेन निकल रही थी। मैं ऊँचा नहीं चाह रहा ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे जाऊँगा कैसे नहीं। एक बार तो मन बनाया कि मैं 11 बजे वोल्वो जाती वोल्वो से चला जाऊँगा। आपका प्यार था तो मेरे मन में एक चिंता थी कि भाई मैं जाऊँगा, क्योंकि एक अपेक्षा रहती है। अब हम नेता हो गए, मंत्री हो गए, तो हम बड़े बाप की औलाद हो गए क्या? नहीं हो सकता है। मेरे देश के, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उनका एक अपेक्षा रहती है कि भाई चलो ये चीज़ें तो ठीक है आएगी जाएगी, लेकिन मैं मेरे भाइयों के साथ बैठ करके थोड़ी गपशप करूँ, ये मेरी कल्पना थी। इसलिए मैं आया, सुबह आया, आकर के जैसे ही फोन आया मैं आ गया हूँ, भाई साहब हाजिर हूँ, आपकी सानिध्य मुझे मिलेगा। तो मैं नहा धो करके समय पे तैयार हो गया। मेरी कुछ आदतें ऐसी है जैसे गुलाब जी भाई साहब की थी वैसे, समय पे जाना ताकि कम से कम आप मेरी वेट करने में खड़े न रहें, क्योंकि कई बार होता है ना, हम बड़े लोग हैं तो हम तो देरी से जाएंगे, वो बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, तो अच्छा लगता नहीं है। हो सकता है कहीं लंबा कार्यक्रम है तो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमको समय का प्रबंधन ठीक करना चाहिए। समय का प्रबंधन कर लिया तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, समय का प्रबंधन नहीं किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देखा, उनके कई बार मंच साझा करने का मौका मुझे मिला। एक बार चुनावी सभा थी, जैसे मैं भी चुनाव लड़ रहा था, तो हम दो उम्मीदवार थे साथ में बैठे, वो उससे मुख्यमंत्री